हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। इस वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर के ऊपर में चर्चा करेंगे, उसकी कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे और स्टॉक का रिव्यू करेंगे। इस स्टॉक के बारे में इस चैनल के ऊपर में हम रेगुलर वीडियो लेके आते हैं और जब इसमें ट्रेंड रिवर्सल हुआ था तो करीब 33 रुपए पे ये ट्रेड हो रहा था, तब से करीब 3 गुना तो ये ऊपर जा चुका है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से, टू बी वेरी प्रिसाइज सितंबर महीने से, 2023 के सितंबर महीने में इसमें गिरावट चालू हुई। 100 रुपए से गिरते गिरते ये 80-81 रुपीस पे आ गया और उसके बाद फिर हम अक्टूबर में वीडियो लेके आए क्योंकि प्राइस एक्शन के अनुसार ऐसा लग रहा था कि इसने करेक्शन समाप्त कर लिया है और अक्टूबर महीने से लेकर अभी तक इस स्टॉक ने काफी बोर किया है और हार्डली कुछ रिटर्न दिया है, करीब करीब फ्लैट रहा है। तो अब इस वीडियो में हम संभावनाओं को तलाशेंगे। वैसे भी स्टॉक मार्केट में एक बहुत फेमस कहावत है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बोरिंग लगने लगे तो इसका मतलब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केवल हमें अच्छी तरीके से रिस्क को मैनेज करना है और रिस्क को मैनेज करते करते ट्रेंड को राइड करते जाना है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है। तो इस वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक के ऊपर में उसका रिव्यू करेंगे, उसके ब्रॉड फंडामेंटल्स, स्पेशली उसके वैल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो है फ्यूचर ग्रोथ का एस्टिमेट जो इसे अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग प्राइस चार्ट के ऊपर में इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अब भविष्य में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर के प्राइस टारगेट क्या हो सकते हैं उसको भी निकालने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक का एक ओवरव्यू लेते हैं और उसके की मैट्रिक्स को चेक करते हैं। तो यहां देखिए, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 61,057.3 करोड़ है और पायस्ट्रॉकी स्कोर की बात करें तो पायस्ट्रॉकी स्कोर 7 है जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। बहुत कम बैंक का भारतीय शेयर बाजार में जितने भी स्टॉक ट्रेड होते हैं बहुत कम कंपनी का बैंकिंग सेक्टर से पायस्ट्रॉकी स्कोर 7 या उसके ऊपर है। इसके अगर रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स को 26.5% से आउट परफॉर्म किया है, तो एक पॉजिटिव अल्फा स्टॉक है। अगर पिछले 3 महीने के परफॉर्मेंस को देखें तो इसने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को 14.6% से। वहीं अगर इसके वोलेटिलिटी को चेक करें तो इसके पिछले एक साल का जो बीटा है वो 0.32 है, तो काफी कम वोलेटाइल है। इवन अगर पिछले 3 महीने के बीटा को देखें तो वो सिर्फ 0.8 है, तो इसका मतलब ब्रॉडली ये स्टॉक लेस वोलेटाइल स्टॉक है और ऐसे स्टॉक जो कम वोलेटाइल होते हैं इनको ट्रेंड को राइड करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। एक बार वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देखें तो इसका टीटीएम बेसिस पे जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री के मीडियन से बिलो है। इसका करेंटली पी रेशियो जो है वो 21 है टीटीएम बेसिस पे, जबकि सेक्टर का जो पी रेशियो है वो है 34 टीटीएम बेसिस पे और इंडस्ट्री का है 18.1। तो ब्रॉडली पी रेशियो के आधार पर वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्राइस टू बुक रेशियो को चेक करना। इसका करेंटली प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 2.4 है और सेक्टर का है 4.8
ये सारे मैं टीटीएम बेसिस पे फिगर आपको शेयर कर रहा हूं, और इंडस्ट्री का है 2.8, तो ब्रॉडली वैल्यूएशन में भी ये ठीक नजर आ रहा है। प्राइस टू सेल्स की बात करें तो टीटीएम बेसिस पे प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है वो 2.3 है, तो कहीं ना कहीं रीजनेबल नजर आ रहा है। ऑफकोर्स 2 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी रीजनेबल नजर आ रहा है। अगर आगे एक साल के फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो इसका ईपीएस जो है, जिसका ग्रोथ फोरकास्ट है 21% से ग्रो करने की संभावना है, तो ये भी अच्छा नजर आ रहा है। अभी हम और चेक करेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट क्या है और अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट क्या है अगले 3 साल का, अगर एवरेज हम देखें तो उसको भी अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर दोस्तों बॉन्ड अगर हम देखें तो इसका एक साल के फॉरवर्ड का एनुअल नेट इनकम का ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 31.3% से नेट इनकम ग्रो करने की संभावना है। तो ब्रॉडली स्टॉक अब जब इसका ओवरव्यू करते हैं तो स्टॉक ठीक नजर आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि इसका जो पाइस्ट्रो की स्कोर है वो 7 है, तो ये अगर पीयर ग्रुप एनालिसिस करें और देखें तो एचडीएफसी बैंक का सिर्फ 5 है, और आईसीआईसीआई बैंक का 4 है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 6 है, कोटक बैंक का 5 है, और एक्सिस बैंक का 6 है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टर्म्स में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन दिया हुआ है, बेस्ट पाइस्ट्रो की स्कोर जो है 7 out of 9 स्कोर मिल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्यूचर में, भविष्य में क्या अर्निंग एंड ग्रोथ का फोरकास्ट है, अर्निंग एंड रेवेन्यू का, उसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें आपके स्क्रीन के ऊपर में हमें दो वर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ये रेवेन्यू का वर्म है और ये अर्निंग का वर्म है 2021 से लेकर प्रोजेक्शन के साथ में 2026 का। तो ये पोर्शन जो है पास्ट में है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली अर्निंग में ग्रोथ फोरकास्ट नजर आ रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आने वाले समय में जो एनालिस्ट लोग का ग्रोथ का फोरकास्ट है वो भी काफी तेजी से रेवेन्यू बढ़ने की संभावना है और अर्निंग का ग्रोथ फोरकास्ट नजर आ रहा है। तो अब इसको पिक्टोरियली अगर देखें तो आने वाले समय में अर्निंग का जो एस्टिमेट ग्रोथ है वो है 24.8%, जबकि इंडस्ट्री इसी पीरियड के दौरान 12.3% से ग्रो करने की संभावना है, और ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट के ग्रोथ को देखें तो 16.7% से ग्रो करने की संभावना है। वहीं अगर एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो इसका फोरकास्ट जो है वो है 26.1% से ग्रो करने की संभावना, जबकि इंडस्ट्री का रेवेन्यू 7.2% से ग्रो करने की संभावना है। वहीं ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है वो 9.3% है। तो ग्रोथ जो है ये इसका एक प्लस पॉइंट नजर आ रहा है, जो ब्रॉडली अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। अब सिंस हम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि हम ब्रॉडली समझ सकें कि कंपनी अपने बिजनेस को मैनेज कैसे कर रही है। तो चलिए अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर में। पहले चेक करते हैं असेट के लेवल को, तो इसका असेट टू इक्विटी रेशियो जो है 9.5 times है, जो लो है, तो इसके पॉजिटिव ये एस्पेक्ट हम इसको देख सकते हैं। अलाउंस फॉर बैड लोन्स की बात करें तो इसका लो अलाउंस है बैड लोन्स के प्रति, तो ये इसके लिए नेगेटिव जाता है, जो 78% है। वहीं अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी जो है वो लो रिस्क की है, ब्रॉडली 72% जो इसकी लायबिलिटी है वो लो रिस्क वाली लायबिलिटी है। लोन लेवल की बात करें तो अप्रोप्रिएट लेवल नजर आ रहा है लोन का, लोन टू असेट रेशियो जो है 66% है, जो अप्रोप्रिएट है। अब चेक करते हैं लोन्स टू डिपॉजिट रेशियो, वो 102% है, जो अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है। अब लेवल ऑफ बैड लोन्स, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ये थोड़ा हाई लेवल पे नजर आ रहा है, बैड लोन्स जो है 2.1% है। अब एक नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे,
यहां देखिए जनरल पब्लिक के पास 37.8% शेयर्स हैं, वहीं पब्लिक कंपनीज के पास 37.4% शेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो 21.1% है और गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है 3.74% और इंडिविजुअल जो इंसाइडर्स हैं उनके पास है 0.89%। तो अभी हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर के ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक किया, उसका ओवरव्यू लिया, तो क्या बातें समझ में आई? अगर वैल्यूएशन की बात करें तो अंडरवैल्यूड तो नहीं है स्टॉक, लेकिन फेयरली प्राइस जरूर नजर आ रहा है। इसकी स्ट्रेंथ कहां नजर आ रही है? फ्यूचर का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो अच्छा नजर आ रहा है। साथ में यदि हम फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट को देखें, खास करके अर्निंग्स के ग्रोथ फोरकास्ट को, और करंट पी रेशियो से कंपेयर करें तो इसका पेग रेशियो 1 के नीचे आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि ब्रॉड फंडामेंटल्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अच्छे नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है जो अभी हमने डेटा आपके साथ शेयर किया? तो आप अपने कमेंट्स को जरूर दर्ज कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं स्प्रेडवे प्राइस चार्ट पर, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को समझते हैं और भविष्य में क्या प्राइस टारगेट हो सकते हैं उसको निकालने की चेष्टा करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। Willing to succeed in the stock market? Join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis. Learn strategies and risk management to stay ahead of the curve. Join now and attend our weekly meetings every Sunday. IDFC First Bank शेयर के प्राइस एक्शन को समझते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या प्रस्पेक्टिव नजर आ रहा। तो पहले तो इसने लाइफ टाइम हाई यहां पे बनाया, वो बनाया सितंबर 2016 में और वो थी 80.7। ये डिविडेंड एडजस्टेड प्राइस है, आप यहां पर नीचे देख सकते हैं ये डिविडेंड एडजस्टेड प्राइस है। इसके बाद एक मासिव डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। अगर हम ड्रॉडाउन देखें इस स्टॉक में, एक मासिव ड्रॉडाउन था और ये ड्रॉडाउन एक्सटेंड हुआ ओवर 77%, नियरली 78% का ये ड्रॉडाउन था, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रॉडाउन था। उसके बाद जब प्राइस में ये रिकवरी चालू हुई तो प्राइस ने यहां पर रिजेक्शन दिखाया और ये रिजेक्शन काफी इंपॉर्टेंट था 64 के आसपास में। इसके पहले भी प्राइस ने मल्टीपल टाइम इस जगह पे रिजेक्शन दिखाया था और यहां पर भी प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया और इसके बाद अल्टीमेटली इसका ब्रेक अवे गैप के साथ ये ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट हुआ मई 2023 में। हम वीडियो लेके आए थे दोस्तों उस समय पे इस चैनल के ऊपर में, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था इस शेयर के ऊपर में और ये ब्रेकआउट और सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि ब्रेक अवे गैप के साथ में ये ब्रेकआउट हुआ और अगर इसको हम समझें तो ये प्रायर इंपल्स के अगेंस्ट में ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, जो ये हैंडल का फॉर्मेशन हुआ। कई महीनों तक प्राइस ने यहां पर कंसोलिडेट किया और उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरह से ब्रेकआउट को देखें और हम एक प्राइस टारगेट को निकालें, लेकिन उसके पहले मैं एक और प्राइस एक्शन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी हम किसी स्टॉक की एनालिसिस करते हैं तो जितना रिदमिक एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे उतना हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। तो यहां मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्राइस का ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था और यहां पे ब्रेकडाउन हुआ और फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगी। अब इसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद में ऑब्वियसली आप देखिए पिछले 3 महीने से प्राइस इस ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था तो ऑब्वियसली एक सपोर्ट एरिया है और बहुत पास में ही इस राउंडिंग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है तो ये एक नेक लाइन भी है। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं कि पहले इसने अपना बेस बनाया 64 के पास में और अब करीब बेस बना रहा है 78-80 रुपीज के आसपास में। तो अगर हम इसके टारगेट को निकालें तो पहले हम टारगेट निकालते हैं
इस पैटर्न को एक चीज और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, खास करके जो स्टॉक मार्केट के शुरुआती लोग हैं, बिगनर लोग हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो क्या आपको ये नजर आ रही है कि एक राइजिंग नेक लाइन है इनवर्स हेड एंड शोल्डर की, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का फॉर्मेशन है, ये राइट शोल्डर है और इसका ब्रेकआउट हुआ, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो हम टारगेट कई प्रकार से अलग अलग चार्ट पैटर्न के निकाल सकते हैं और हम सभी जानते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के टारगेट जो होते हैं वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो चलिए एक एक करके टारगेट निकालते हैं। हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें अगर हम इसके राउंडिंग पैटर्न के आधार पर एक टारगेट को निकालें तो देखिए इसका टारगेट निकल के आता है 184। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं, एक तरह से इसे हम टारगेट लिखते हैं 184 का, तो ये टारगेट हो गया। अब हम इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये पहला टारगेट हो गया, पहला तो नहीं बोलेंगे, ये टारगेट हो गया इस राउंडिंग पैटर्न के अनुसार। अब अगर हम कप एंड हैंडल के पैटर्न के अनुसार टारगेट निकालें तो चलिए इसको मेजर करते हैं और इसको हम देखते हैं। तो कप एंड हैंडल का इसने पहला टारगेट अचीव किया है और उसके बाद ये करेक्शन होके अब कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इसके अनुसार अब अगला पॉसिबल टारगेट क्या होगा, कप एंड हैंडल का 100% एक्सपेंशन का टारगेट होगा। तो इसे हम एक और मार्क कर लेते हैं, तो टी आ गया 132 का टारगेट निकल रहा है। तो ये देखिए मैंने इसे दूसरा टारगेट भी मार्क कर लिया, अब मैं इसे भी रिमूव कर देता हूं। अब दोस्तों ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पे क्या टारगेट आता है, ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है। तो चलिए इसके आधार पे अब टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहां से मैंने इसको नेकलाइन तक की दूरी को नापा और नेकलाइन के पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूं। तो ये देखिए मैंने इसे यहां से प्रोजेक्ट किया, तो इसका टारगेट आ रहा है 161। तो ये दोस्तों मैंने मार्क किया 161 के टारगेट को। मैंने जैसा बोला कि टारगेट किसी भी चार्ट पैटर्न के मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब ये हम इसको रिट्रेसमेंट को फिबोनाची एक्सपेंशन को हटा देते हैं। यहां पर एक और चीज हम ड्रॉ कर सकते हैं और वो क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो एक राइजिंग वेज नजर आ रहा है दोस्तों, अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए इसका काफी बड़ा बेस है, तो अगर हम इस राइजिंग वेज के हिसाब से टारगेट निकालें तो क्या टारगेट आता है। तो चलिए इसके हम बेस को मेजर करते हैं और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से इसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये देखिए टारगेट करीब करीब 161 का ही टारगेट निकल रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो महीने का कहने का तात्पर्य यह है कि मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस हमें इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि इस स्टॉक में अभी भी काफी कुशन है अपसाइड मूव करने का। तो ये अगर हम देखें तो करंट मार्केट साइड प्राइस से अलग अलग टारगेट में क्या रिटर्न निकलता है, तो ये देखिए पहले ये टारगेट है 132 का, तो अभी 50-51% का जंप के संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट को देखें तो 82-83% का जंप है। उसके बाद अगले टारगेट को देखें तो 110% का जंप है। टारगेट दोस्तों मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी होती है ट्रेंड को राइड करना, और ट्रेंड को तब तक राइड करना जब तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इसमें नजर ना आए। एक बार मंथली प्राइस चार्ट में, ये मंथली प्राइस चार्ट में अभी तक चर्चा हम कर रहे थे दोस्तों, तो मंथली चार्ट में एक बार मोमेंटम को देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या नजर आता है कि यहाँ पर RSI 60 के ऊपर है, मोमेंटम काफी अच्छा है। अगर फोर्स इंडेक्स की बात करें तो बुलिश टेरिटरी में है। तो ये बातें तो ये क्लियर हो गई कि मंथली चार्ट में ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर आ रही है इस स्टॉक में और प्राइस करीब करीब सपोर्ट एरिया के पास में ट्रेड हो रही है। ये नेकलाइन का सपोर्ट हो गया और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया। तो इससे 180R नीचे, अगर कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में लेना चाहता है तो मंथली ATR से 180R नीचे एक पोजीशन ली जा सकती है इनिशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए। अब चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल इस स्ट्रक्चर का हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। इस स्टॉक की एक खासियत है दोस्तों कि काफी लंबे समय तक ये कंसोलिडेट करता है, और यहाँ देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन यहाँ भी हम देख सकते हैं, और यहाँ पर भी अब ये कंसोलिडेट कर रहा है जिसे टिपिकल रीअक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं।
जैसे ही ये रीअकुमुलेशन फेज जिस रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है इसके बाहर आएगा तो इसमें अपसाइड मोमेंटम अच्छा डेवलप होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा और क्या हम देख सकते हैं, क्या यहाँ पे कोई और ट्रेंड लाइन हम खींच सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची, ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है, ये देखिए मैंने इसको खींचा, ये ट्रेंड लाइन क्या है, ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर इस डाउन ट्रेंडिंग मूव का रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और उसके बाद में प्राइस ऊपर गई और करेक्शन हुआ। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो अगर हम दूसरे ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक डिमांड जोन को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। ये देखिए करीब 71 के आसपास में ये आ रहा है, 71.5 है, मैं सेफर साइड में इसे 71 लिखता हूं। तो 71 से 80 का ये जोन जो है ये इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है इस स्टॉक पे, जहां पे बाइंग आने की संभावना है अगर इस जोन में प्राइस आई तो। और इसी जोन में आप देखिए ईएमए 55 है जिस बात को कंफर्म करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब ये ब्रेकआउट हुआ रिवर्सल चार्ट पैटर्न का तो वॉल्यूम इसमें कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आया और जब ये कंसोलिडेट कर रहा है, करेक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कम है। इसका मतलब मार्केट में बुल्स जो है अभी भी कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। अब एक बार मोमेंटम इंडिकेटर को वीकली चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर अगर मोमेंटम इंडिकेटर की स्टडी करें तो यहाँ पर हमें क्लियर कट आरएसआई जो है 60 के नीचे नजर आ रहा है। तो करेक्शन के दौरान में क्या हुआ, यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो हमें मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है जो इंडिकेट करता है कि ये कंटिन्यूएशन जो है ट्रेंड का ये रहने की संभावना अभी फिलहाल नजर आ रही है। जहां तक फोर्स इंडेक्स का सवाल है तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, मार्जिनली ये बेरिश टेरिटरी में है क्योंकि ये कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कंसोलिडेशन जो है टिपिकल रीअक्युमुलेशन फेज इसको बोलते हैं ओवरऑल अप ट्रेंडिंग स्टॉक में जो कि मार्कअप फेज में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन की हम स्टडी कर सके। अब ये देखिए हम लोगों ने डिमांड एरिया मार्क कर लिया था, 71 से 80 का एक ब्रॉडर जोन है जो एक डिमांड एरिया है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रही है। शॉर्ट टर्म में प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गई थी और मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसने बॉटम बनाया करीब 80 रुपीज के आसपास में, जो बेसिकली आप देखिए नेकलाइन एरिया है मंथली चार्ट की, क्लैरिटी आई दोस्तों? तो ये अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज का टर्न हुआ और ये करेक्शन के बाद में ऐसा लग रहा है ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर गौर से प्राइस चार्ट को देखें तो रीसेंट टाइम में 11 जनवरी को इसने एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन किया और उसके पहले की जो कैंडल थी वो क्या थी, बुलिश पिन बार थी। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है ये जो हमने खींची हायर टाइम फ्रेम में वो एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। और जब ये एनालिसिस मैं कर रहा हूं तो मार्केट जब 18 जनवरी को क्लोज हुआ उसके बाद में ये एनालिसिस कर रहा हूं तो 18 जनवरी के दिन में 1.41% की तेजी देखी गई इस स्टॉक में, जबकि निफ्टी बेरिश रहा 18 जनवरी को। तो यहां पे बाइंग आती हुई नजर आ रही है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये सिंस शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है तो क्या हमें कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है? तो मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूं, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आप देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, तो ये ब्रेकआउट होगा और ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट कब होगा, यहाँ देखिए प्राइस दो बार रिजेक्ट हुई है, करीब क्या प्राइस है, हाई 89.65, तो हम यहाँ पर 89.65 की जगह इसको राउंड ऑफ करते हैं और 90 लिखते हैं। इसका मतलब कोई भी कैंडल अगर 90 के ऊपर में क्लोज हुई तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तलाशी जा सकती है लॉन्ग ट्रेड की, लॉन्ग पोजिशनल व्यू की।
क्योंकि ये प्राइस फिर इस काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोज हो जाएगी जो अभी तक स्ट्रगल कर रही है क्लोज करने पे। यहां भी इसने अटेम्प्ट लिया, शूटिंग स्टार बन गया, यहां भी देखिए इन्वर्टेड आइसक्रीम बार बन गया, यहां पे बेरिश एंगल्फिंग बन गया और यहां पर भी बेरिश एंगल्फिंग बन गया। इसका मतलब ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसमें मल्टीपल टच पॉइंट्स है। मैं ये कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं एनालिसिस करने की प्रोसेस क्या होती है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि अगर स्टॉक मार्केट का बिगनर है, शुरुआती लोग हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीख सकें कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और संभावनाओं को तलाश सकते हैं कि क्या संभावनाएं बनेंगी। अब आप देखिए शॉर्ट टर्म में टारगेट देखें तो अगर ये 90 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है और उस कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू हो जाता है तो शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट निकल के आता है, चलिए इस पैटर्न के अनुसार एक टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगला टारगेट 97 का निकल के आ रहा है, 97.8 जहां प्राइस को फिर रेजिस्टेंस मिलेगा और वहां पे प्राइस पहुंचने के बाद थोड़ा सा कूलिंग ऑफ इफेक्ट नजर आएगा, करेक्शन हो सकता है, लेकिन करेक्शन के बाद जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो देन इसका टारगेट 104 के आसपास में निकल सकता है। अभी हमने IDFC फर्स्ट बैंक शेयर की एक कॉम्प्रेहेंसिव एनालिसिस करके प्राइस एक्शन को भी समझा, टेक्निकल एनालिसिस भी की। ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं। एक्चुअली मैं किस तरह से एक कॉम्प्रेहेंसिव एनालिसिस करता हूं उस बात को शेयर करना है, ताकि जो स्टॉक मार्केट के बिगनर्स हैं, शुरुआती लोग हैं, वो एनालिसिस करने की प्रोसेस समझ सके। और भी अधिक पैरामीटर्स पे चर्चा की जा सकती है, एनालिसिस का कोई एंड नहीं होता है। अल्टीमेटली एम क्या होता है कि कितने अधिक फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस का पता लगा सके, जिन्हें हम वेट ऑफ एविडेंस बोलते हैं। जितने अधिक वेट ऑफ एविडेंस हमें मिलेंगे जो इस बात की ओर इशारा करें कि इस स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना है, उतने अधिक प्रोबेबिलिटी होगी, संभावनाएं होंगी कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। और उसके बाद अगर हमने एक प्रिसाइज स्ट्रेटजी बनाई जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को सम्मिलित किया, तो हमारे प्रॉफिट करने की संभावना स्टॉक मार्केट में काफी बढ़ जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार।